आज पुलिस अधीक्षक कासगंज श्री अशोक कुमार शुक्ल तथा अपर पुलिस अधीक्षक कासगंज श्री पवित्र मोहन त्रिपाठी द्वारा पुलिस बल के साथ शहर कासगंज के मुख्य बाजार सराफा बाजार एवं भीड़भाड़ वाले इलाकों में जनता में सुरक्षा का भाव पैदा करने हेतु पैदल मार्च किया गया। इस दौरान सड़क पर अतिक्रमण करने वाले लोगों को अतिक्रमण हटाने हेतु कड़ाई से निर्देशित किया गया तथा भविष्य में अतिक्रमण की पुनरावृत्ति होने पर कठोर कार्यवाही हेतु क्षेत्राधिकारी नगर व इंस्पेक्टर कासगंज को सख्त निर्देश दिए गए। इसके अलावा दोपहिया वाहनों पर बिना हेलमेट एवं 3 सवारी बैठाकर चलने वाले लोगों को ट्रैफिक नियमों का पालन कर वाहन चलाने हेतु निर्देशित किया गया। नहीं देखो, फ्लैग मार्च नहीं होगी, ये पैदल हमारे आदेश है। शाम को पुलिस की विजिबिलिटी रहे, कभी हम यहाँ घूमते हैं, कभी वहाँ घूमते हैं, हम यहाँ घूम रहे हैं, ये तो हमारा कहीं और घूम रहा है, ये कहीं और घूम रहा है। इसका उद्देश्य है कि पुलिस की विजिबिलिटी रहे, पब्लिक में कॉन्फिडेंस आए। और जब आप घूमते रहते हैं तो कहीं आप चौकाटा ही करते हैं, किसी ट्रैफिक में 3 सवारी उसे समझा दिया, बिना हेलमेट का उसे समझा दिया, अतिक्रमण किया उसे समझा दिया, तो वैरायटी आप जार हम लोग परफॉर्म करते हैं। इसमें ये नहीं सकते कह सकते पर्टिकुलर काम से होते हैं, कोई दरख्वास्त लेके भी चला आता है, कोई कहता था हमारे मुकदमे में कार्रवाई नहीं, यहाँ तक की बातें हो जाती हैं। तो कुल मिला के ये फ्रेंडली एटमॉस्फेयर डेवलप होता है, पब्लिक में कॉन्फिडेंस होता है। और जो रास्ते ब्लॉक रहते हैं, जब उधर गाड़ी लोग लगाए रहते हैं, वो बिना कहे उनको पता लग गया कि पुलिस इधर से घूम रही है तो सतर्क हो जाते हैं, हटा लेते हैं। कुल मिला के एक व्यवस्था बिना कहे जो एक व्यवस्था बनती है वो हमारा उद्देश्य है। इसलिए हम लोग पैदल गश्त करते हैं, और हम भी करते हैं, हमारे सारे कर्मचारी करते हैं, विभिन्न जो है भीड़ भाड़ वाले जो कस्बे हैं, जो सराफा बाजार है, स्कूल कॉलेज हैं, कोचिंग हैं, मतलब हम ऐसे घूमते रहते हैं तो सबको पता लगता रहता है हमारी मौजूदगी का, और जाने अनजाने लोग मिलते रहते हैं, काम होता रहता है। यस, सभी सीओज अपने अपने यहाँ कर रहे हैं। आज मेरी यहाँ पे गश्त है, कल हमारी सहावर गेट से वहाँ तक आज़ाद घाटी तक का है। तो रोज़ ही करनी है तो बहुत ज़्यादा नहीं करते हैं, चुन चुन के एक पैच बना लेते हैं, आज मैं यहाँ करनी है। जैसे हमारा यशो वहाँ कर रहा होगा, वहाँ का सीओ वहाँ कर रहा होगा, इस तरह से होटल डाले को तो रूटीन की बात है।